2, 4। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ टेबल ऑफ इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन फारेनहाइट, फारेनहाइट में टेम्परेचर भी डिस्प्ले करे, और एंड सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में भी टेम्परेचर डिस्प्ले करे फ्रॉम 50 फारेनहाइट टू 100 फारेनहाइट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5 का इंक्रीमेंट लेते हुए 50 से लेके 100 तक टेम्परेचर डिस्प्ले करे फारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। यानी कि फारेनहाइट में तो टेम्परेचर हम लोगों को गिवन होगा, लेकिन कोई फार्मूला लगा के हम लोगों ने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा पहले सेल्सियस में। अब फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला आपके पास होता है C इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय फारेनहाइट माइनस 32। ये फार्मूला एज इट इज़ आप लोगों को याद करना है, ये फार्मूला हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अच्छा, हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड con.io.h, ये आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना है, हर प्रोग्राम में मेंशन करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, void main से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लेने हैं। दो वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल है, एक f के लिए लिया, f यानी कि फारेनहाइट में टेम्परेचर लेने के लिए लिया, और जो c है फ्लोट में क्यों ले रहे हैं कि फारेनहाइट का टेम्परेचर होता है हमारे पास पॉइंट्स में, इसलिए हम लोगों ने फ्लोट का सेल्सियस का टेम्परेचर जो है फारेनहाइट में ले लिया। अब प्रिंट करेंगे हम लोगों ने, ये जो हेडिंग बनी हुई है ना फारेनहाइट और सेल्सियस की हेडिंग बनाने के लिए हम लोगों ने कैसे प्रिंट करना है, फारेनहाइट टैब दिया, टैब किस लिए देते हैं कि जो किस लिए यूज़ किया कि देखें, सिंपल स्पेस जो होगी, थोड़ी सी स्पेस दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान जो सिंपल स्पेस होती है वो थोड़ी सी स्पेस होती है, लेकिन जो टैब हम लोग स्पेस यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि दो नंबर्स के दरमियान या दो वेरिएबल्स के दरमियान जो स्पेस होगी वो सिंपल स्पेस से ज़्यादा स्पेस होगी। अच्छा, अब ये देखें कि फॉर लूप कैसे लगी है, फॉर लूप कैसे लगाई है, हम लोगों ने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी f में 50, क्योंकि उसने टेम्परेचर कितना दिया था कि फारेनहाइट का टेम्परेचर 50 से स्टार्ट हो और एंड किस पे हो, 100 पे, इसलिए मैंने रेंज कितनी दी या कंडीशन क्या कौन सी लगाई कि 100 f इज़ लेस देन इक्वल टू 100। अब इंक्रीमेंट कितने का दे रही हूँ, 5 का, क्योंकि क्वेश्चन में मैंशन था कि 5 का इंक्रीमेंट आप लोगों ने लेना है। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, एफ़ की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस करनी है। ये देखें, सी इज़ इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू एफ़ की क्या थी हमारे पास, 50 थी, इसलिए मैंने 50 प्लेस कर दिया यहाँ पे, माइनस किया किससे, 32 से, क्योंकि फार्मूले में ऐसे ही 32 लिखा हुआ था। इसमें मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट अब कैसे देंगे, जैसे हम लोगों ने पहले फारेनहाइट बीच में टैब दिया था और फिर हम लोगों ने सेल्सियस आउटपुट किया था, ताकि हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, फारेनहाइट टैब दिया और सेल्सियस। इसी तरह से जो हमारे पास कैलकुलेशन होके आंसर आएगा उसको भी हम लोगों ने टैब स्पेस दे के आउटपुट करना है। वो कैसे होगा देखें, सबसे पहले परसेंटेज डी लिखा, यानी कि परसेंटेज डी हमें बताएगा जो नेक्स्ट कोई नंबर कोई वेरिएबल आ रहा है वो किस टाइप का होगा, डेसिमल टाइप का या इंटीजर टाइप का होगा। इसके बाद परसेंटेज एफ लिखा, परसेंटेज एफ हमें यह बताएगा कि जो आगे से वेरिएबल आ रहा है वो किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ को जो एफ वाला वेरिएबल होगा वो इस जगह पे आके प्लेस हो जाएगा, जी बेटा इस जगह पे आके प्लेस हो जाएगा, और जो सी वाला वेरिएबल है वो इस जगह पे आके प्लेस होगा, क्योंकि सी का वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ था ऊपर के फ्लोट टाइप का है, और जो इन टाइप का था वो एफ था, और पहला वाला वेरिएबल पहली वाली जगह पे प्लेस होगा, दूसरा वाला वेरिएबल दूसरी वाली जगह पे प्लेस होगा। तो होगा क्या कि हमारे पास 50 वैल्यू थी फारेनहाइट की, फारेनहाइट की यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और जो आंसर आया हुआ था वो हमारे पास क्या कहाँ प्रिंट होगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात थी यहाँ पे कि यहाँ पे इन लोगों ने फील्ड स्पेसिफायर भी यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे भी, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, ये सारे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ इन लोगों ने फील्ड स्पेसिफायर भी यूज़ किए हैं। फील्ड स्पेसिफायर क्या यूज़ कहाँ यूज़ होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में, यानी कि परसेंटेज और डी के बीच में जो भी वैल्यू होगी हम लोग उसको के फील्ड स्पेसिफाई। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखेंगे दैट्स गुड, अगर आप नहीं लिखना चाहते इट्स ओके। जो कि हम लोग पेज नंबर 250 चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मेट स्पेसिफायर और फील्ड स्पेसिफायर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा आप लोग जाके देख लीजिएगा।
तो होगा क्या कि आपकी लूप जो है ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक f की वैल्यू 100 के इक्वल नहीं हो जाती। ये मल्टीपल टाइम लूप चलेगी और इस तरह से 5-5 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेट्स सपोज f की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीमेंट होते हुए f की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई है। तो 100 टाइम हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 5.0 डिवाइड बाय 9.0 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 32। अच्छा, इसका क्या आंसर आएगा, 37.78 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब ये भी आंसर इसी तरह से आउटपुट होगा, 100 यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे आउटपुट होगा, जो सेल्सियस में आंसर आ रहा है वो आपका यहाँ पे आउटपुट होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इंक्रीमेंट होगी f की वैल्यू में, यानी कि f इज़ इक्वल टू f प्लस 5 होगा, यानी कि 10 f की वैल्यू 105 होगी। तो कंडीशन जब चेक की जाएगी, कंडीशन क्या होगी, 105 लेस देन इक्वल टू 100, दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल आपका लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम डिस्प्लेज प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फ्रॉम यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज़ करते हुए 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करना है। अब देखते हैं ऑड नंबर होते क्या हैं। पहले भी हम लोग एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें ऑड नंबर्स को सम करना था हम लोगों ने, प्रोग्राम नंबर 12.22 में। अब प्रोग्राम नंबर 12.25 में हम लोगों ने क्या करना है कि सम प्रोडक्ट करना है पहले 10 नंबर्स का। अब वो ऑड नंबर्स, पहले 10 नंबर्स में ऑड कौन से नंबर्स आएंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि दो दो के इंक्रीमेंट के साथ ये सारे नंबर्स हैं। 3 माइनस 1 किया तो 2 आता है, 5 माइनस 3 किया तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, 9 माइनस 7 करें तो 2 आता है। प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है कि इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल्स देने हैं, कौन सा, एक प्रोडक्ट और सी के नाम से। प्रोडक्ट को इनिशिएट कहाँ से करवाना है, हम लोगों ने 1 से करना है। पिछली दफ़ा सम वेरिएबल लिया था, सम को इनिशिएट हम लोगों ने 0 से करवाया था। 0 से क्यों इनिशिएट करवाया था कि जो सम जब हम लोगों ने वेरिएबल वैल्यूज़ को करना होता है तो हम हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू क्या देते हैं, 0 देते हैं, ये याद रखें। और जब हम लोगों ने कोई वैल्यूज़ को प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 1 देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्ट में भी 0 वैल्यू डाल देंगे तो नेक्स्ट नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया था सी के लिए, जो कि लूप में यूज़ कर रहे हैं। लूप में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी हम लोगों ने, सी इज इक्वल टू 1, और एंडिंग वैल्यू क्या है, लेस देन 10। क्यों? क्योंकि पहले 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने नंबर्स जो है ना उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है जो ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट कितना दे रहे हैं, 2 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाया है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सम यूज़ किया था, इस दफ़ा हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विथ 3 सी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, याद होगा, सम इज इक्वल टू, लास्ट टाइम सम वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया था, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, ये फार्मूला यूज़ किया था। इस बार प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विथ सी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट जो रिज़ल्ट होगा वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे। कहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, वो लूप के आउटसाइड द लूप प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, लूप में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कर्ली ब्रैकेट्स तब लगाते हैं जब हम लोगों ने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लूप की बॉडी के अंदर लिखना होता है। सिंगल स्टेटमेंट जब होगे तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, हम कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और सी की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट में हम लोग प्रोडक्ट वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी, 1। अच्छा, सी की वैल्यू को फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीमेंट किया जब ये दोबारा लूप चली। लूप कब तक चलती रहेगी, जब तक कि सी की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी। अच्छा, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट कैसे करना है, 2 वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट करना है हम लोगों ने। तो 1 प्लस 2 किया तो क्या आएगा हमारे पास, 3 होगी सी की वैल्यू। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, लास्ट टाइम प्रोडक्ट की वैल्यू 1 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 3 से।
थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, ये लूप दोबारा से कंटिन्यू होगी और कंडीशन चेक करेगी कि सी की वैल्यू आइदर लेस देन टेन है कि नहीं है। येस ट्रू है, इसलिए लूप दोबारा से ये चलेगी। और क्या होगा कि हमारे पास सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सी इज इक्वल टू, लास्ट टाइम सी की वैल्यू थ्री थी, थ्री प्लस टू, टू का इंक्रीमेंट होगा, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, सी इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू को दोबारा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टाइम प्रोडक्ट की वैल्यू थ्री थी, इस दफ़ा हम लोगों के पास सी की वैल्यू क्या है, फाइव है, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्टीन आ जाएगा। अच्छा फिर दोबारा से हम लोग सी की वैल्यू क्या थी, इसमें फाइव पुट करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे, यस ये कंडीशन ट्रू है कि फाइव इज़ लेस देन टेन, ठीक है। दोबारा से हम लोग इसमें इंक्रीमेंट करेंगे सी की वैल्यू में, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया तो क्या होगा, लास्ट टाइम सी की वैल्यू फाइव थी और दो का इंक्रीमेंट करेंगे तो सेवन हो जाएगी, ये रही। अच्छा सी की वैल्यू सेवन हो जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, फिफ्टीन, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेवन के साथ, तो हमारे पास आंसर 105। तो अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, इस दफ़ा सेवन पुट करेंगे सी की वैल्यू को, सी की वैल्यू सेवन इज़ लेस देन टेन, दिस इज़ ट्रू, तो दोबारा से लूप चलेगी। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे प्रोडक्ट वाले फार्मूले में, तो लास्ट टाइम हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, प्रोडक्ट की वैल्यू थी 105 थी, तो 105 मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू का इंक्रीमेंट, सी की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू सेवन प्लस टू, तो नाइन होगी, तो नाइन होगी। 105 को हम लोग नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 945। फिर दोबारा से सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, टू का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 11 आ जाएगी। 11 को हम दोबारा से कंडीशन में चेक करेंगे, 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। आपका जो कंट्रोल है, आपका जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो क्या आपका आगे लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ, यानी कि आप लोगों ने क्या प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, रिजल्ट इज़ परसेंटेज डी, यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू जो प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल है वो प्रिंट होगा परसेंटेज डी की जगह पे। लास्ट टाइम हम लोगों के पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई थी, 945, तो 945 आपका प्रिंट हो जाएगा, 945। दिस इज़ योर प्रोग्राम 12.25। एक बात जो प्रोग्राम नंबर 2.5 में मैंने आपको बतानी थी, वहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, प्रोडक्ट स्टेरिक इज इक्वल टू सी, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी जगह पे आप लोग प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सी भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विलेंट हैं। अच्छा इस यहाँ पे आप लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों का होम टास्क ये है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट करना है हम लोगों ने एक नंबर, वो आप लोग स्कैन ऐप से करवा सकते हैं, और डिस्प्लेस आ टेबल ऑफ डेट नंबर यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप को यूज़ करते हुए उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करना है। तो फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है थ्री, तो आप लोगों ने क्या डिस्प्ले करना है, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार क्या है सिक्स, इस तरह से अप टू थ्री टेन ज़ार 30। ये हम प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम हम लोग वाइल लूप में भी कर चुके हैं, जो कि पेज नंबर 337 पे है और प्रोग्राम नंबर 12.5। इससे देख के आप लोग ये वाला प्रोग्राम कीजिएगा, वो वाइल लूप से किया हुआ है, ये वाला हम लोग प्रोग्राम फॉर लूप से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।